भगवान का बन जाता है। गोपियों की हालत इसी तरह हो गई है कि जैसे किसी यज्ञ में आहुति दी जाती है और आहुति अग्निमय बन जाती है, उसी तरह गोपियां भगवान को मिलने गई थी और भगवान में एक हो गई है। वही तो दर्शन है कि हम जब भगवान के दर्शन करने जाए तो भगवान में मिल जाए, भगवान में एक हो जाए, भगवान के बन जाए। गोपियों का कुछ इसी तरह हुआ है। तो ये गोपियां जो है भगवान के स्वरूप का वर्णन करती है और भगवान के लिए वो कहती है कि हे भगवान, हम भी आपके बन चुके हैं, आपके बगैर हम अब रह नहीं सकते। और आप जो अंतर्यामी है, आप अंतर्यामी तो अपने आप को कह देते हो, फिर क्या हमारे दुख आपको समझ में नहीं आ रहे हैं? तो हे अंतर्यामी, आप हमारे दुखों को जान लीजिए। और हमारा जो दुख है कि आप हमें दिखाई नहीं दे रहे, उस दुख को दूर करिए, आइए और हे निर्गुण परमात्मा साकार स्वरूप में हम सबको दर्शन करिए। इसीलिए ये गोपी, ये गोपिया इस श्लोक के माध्यम से निर्गुण निराकार जो परमात्मा है उसकी महिमा को वर्णन करते हैं, उस भगवान को प्रार्थना करते हैं, दर्शन देने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं। और ये जो प्रेम है भगवान का, भगवान के ऊपर जो आत्मा में प्रेम भगवान के प्रति निर्माण हो जाता है, अधिक विस्तार प्राप्त कर लेता है कि एक दिन फिर आत्मा भी मिट जाती है। आत्मा से हम इतना प्रेम करें कि आत्मा में समाहित हो जाए, आत्मा का अस्तित्व ही मिट जाए, जिसे हम कहते हैं कि अब 184 योनि से हम मुक्त हो गए। इतना, क्योंकि जब हम एक हो जाते हैं तब ये चक्र जो है वो समाप्त हो जाता है, छूट जाता है। इसीलिए जहां जहां पर ऐसा परमात्मा भाव आता है वहां श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। जैसे जहां ऐसे भाव निर्माण हो जाता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मेरा मूल स्वरूप आत्मा है, ये आत्मा ही बोल रही, सुन रही है और देख रही है, आत्मा में एक हो जाए। और यही जो भाव है, यही जो श्रद्धा है, जो हृदय में निर्माण हो जाती है, समर्पण भाव निर्माण हो जाता है, जागृत हो जाता है, स्नेह भाव निर्माण हो जाता है हृदय में, तो फिर हम भगवान में एक हो जाते हैं। हम अपने आप को भगवान को सौंप देते हैं, फिर अपना अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जैसे मीराबाई अपने आप को सौंप देती है और उसमें कोई शंका नहीं होती। मीराबाई को जब राणा जी विष का प्याला लेकर आते हैं, मीराबाई को पिलाते हैं कि लो पी लीजिए, तब मीराबाई अविलंब उस विष को प्राशन कर लेती है, कृष्णार्पण करके प्राशन कर लेती है और वो जो विष है अमृत बन जाता है। मीराबाई तो बच गई, लेकिन जिसको अर्पण करके विष प्राशन किया था उसके शरीर में दाह हो रहा है। अब विष पिया है, जहर पिया है मीराबाई ने, और तकलीफ हो रही है वहां पर कृष्ण को, क्योंकि मीराबाई एक हो गई है भगवान कृष्ण के साथ। उसमें जो पर्दा था मीराबाई हटा दिए है, वो द्वैत हट चुका है और अद्वैत भाव में मीराबाई आ चुकी है, कृष्ण को समर्पित हो गई है, कृष्ण में एक हो गई है। इसीलिए आपने राधा चरित्र में भी सुना होगा कि वहां पर वो गरम दूध राधा पी जाती है और छाले भगवान के शरीर में उठते हैं। एकात्मता का प्रतीक है, चाहिए वो विश्वास, वो दृढ़ता। इसीलिए हम भी
कोशिश करे उसी तरह भगवान को समर्पित हो जाने की और विश्वास रखने की उस भगवान के ऊपर। जैसे जिस प्रकार नदियों का जो मार्ग है, नदियों के मार्ग में आने वाली समस्त जो रुकावटें हैं, जो विघ्न हैं, वो नदी पार करते हुए, सामना करते हुए, संघर्ष करते हुए समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसी प्रकार भक्त के अंतकरण में जो प्रवाह बहता है, जो प्रभावित होकर विश्व के समस्त फिर विघ्नों को पार करते हुए प्रेम सागर में वो भक्त डूब जाते हैं, उस नदी की तरह वो रुकती नहीं जब तक समंदर से मुलाकात नहीं होती। वो बहती जाती है, प्रेम सागर में डूबे हुए भक्त भी तब तक बहते रहते हैं, प्रयत्न करते रहते जब तक वो भगवान रूपी सागर उसे मिल नहीं जाते। नदियां रुकावट आने के बाद भी रुकती नहीं है समंदर को मिलने तक, उसी तरह भक्त भी तब तक नहीं रुकते जब तक भगवान की मुलाकात न हो जाए। चाहे फिर उन्हें कोई जहर पिलाए, कोई हाथी के पैरों तले कुचलने की कोशिश करे, पहाड़ों से नीचे फेंक दे, समुन्द्र में फेंक दे, जो करना हो करे, अलग कर दे परिवार से, अलग कर दे समाज से, कोई बावरी कह दे, कोई पागल कह दे, जो कहना है कह दे, लेकिन वो नदी अब निकल पड़ी है, जब तक समंदर से मुलाकात नहीं होती रुकने वाली नहीं है। ये प्रेम ऐसे ही होता है, जब उमड़ पड़ता है भक्तों के हृदय में तो किसी के रोकने से वो रुकता नहीं है ये धारा। लेकिन वो प्रेम उस तरह का हृदय में उमटना चाहिए। इसीलिए ये गोपियां भगवान के उस विराट स्वरूप का वर्णन करती है, निज रूप का, निर्गुण स्वरूप का वो गोपियां वहां पर वर्णन करती है, अंतर्यामी परमात्मा के दर्शन हमें कराती है। तो जैसे गोपियां भगवान को अंतर्यामी कहती है और कहती है बस आप नंद यशोदा के नहीं हो, समस्त जीव प्राणी मात्रों के हो, तो वो आत्म भाव को प्रकट करती है और भगवान के अस्तित्व को वो बता रही है। और ये निर्गुण गोपियां बता रही है कि हम जिसे बाहर ढूंढ रहे हैं वो भगवान बाहर नहीं, वो भगवान तो हमारे हृदय में विराजमान है। ये श्लोक के माध्यम से ये गोपियां भगवान का वर्णन करती है। जिस तरह भगवान है तो हमारे पास ही, लेकिन हम उसे जहां है वहां नहीं खोजते और बाहर खोजने का अट्टहास करते हैं, कोशिश करते हैं। जैसे एक ऐसे ही कुंभ मेले में एक संत की मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। अब व्यक्ति से मुलाकात हुई, बोले कुंभ मेले में मेरी तो कोई व्यवस्था नहीं, बोले मेरे पास एक कमरा है, मेरे पास रह लो। अब वो व्यक्ति संत के पास रहने लगा। अब जैसे संत के पास इसने देखा कि बहुत पैसा है, तो ये सोचने लगा आज रात्रि में पैसा चुरा लेते हैं और भागते हैं। मध्य रात्रि का समय हुआ, चोरी करने उठा है। अब जैसे ही जो कपड़े लटकाए थे उन कपड़ों में ढूंढने लगा, खीसे में ढूंढा पैसा मिला नहीं, बैग में ढूंढा पैसा मिला नहीं। बोले महात्मा होशियार दिखाई दे रहा है और होशियार रहना भी पड़ता है महात्माओं को, आप जैसे सबको संभालना जो होता है। तो बोले वो बिछोने के नीचे ढूंढने लगा पैसे, नहीं मिले। तकिया के नीचे ढूंढे संत के, तकिया के नीचे पैसे ढूंढे, नहीं मिले। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो खिसे में से महात्मा जी ने पैसे निकाले, जब कुछ दान देने थे किसी को, पैसे देने थे, ये देखते ही रहा रात्रि में तो पैसे मिले नहीं और के पैसे निकल रहे, आज अच्छी तरह से कोशिश करेंगे। दूसरे दिन भी मध्य रात्रि में खिसे में ढूंढा, बैग में ढूंढा, वो बिछोने के नीचे, तकिए के नीचे ढूंढा, पैसे नहीं मिले, नहीं मिले।
ऐसे तीन चार दिन कोशिश की, जैसे सुबह होती महात्मा जी जब कभी पैसों का काम पड़ता खिसे में से पैसे निकालते। ये समझ नहीं पा रहा रात्रि में ये महात्मा पैसे रखते कहां है। अब बुद्धि विचलित हो गई, अब बोले अब मैं समझ तो लू पैसे कहां रखते हैं, या कोई जादू है और फिर यहां से निकल जाऊं, क्योंकि जब तक पता नहीं चलता महात्मा पैसे कहां रखते थे, अब तो भोजन करना भी मुश्किल है, अब मैं जीना भी मुश्किल है। तो संत को जाके प्रणाम करता है और कहता है महाराज आप मुझे बहुत अच्छा आदमी समझ रहे थे, लेकिन मैं चोर हूं, मैं गलत इंसान हूं। हाँ बोले फिर क्या हुआ? बोले मैंने रात्रि में तीन चार दिन से आपके पैसे चुराने की कोशिश की। बोले फिर क्या हुआ? बोले पैसे नहीं मिले, सुबह आपके खिसे में पैसे होते हैं और रात भर गायब हो जाते हैं, बैग में भी नहीं होते, बिछौने के नीचे आपके तकिए के नीचे नहीं होते, कहाँ जाते हैं आप, कहाँ रखते हो पैसे वो बताइए, या तो कोई जादू है वो बताइए, आप बता दो कहाँ रखते हो, कल से दूसरी जगह रख लेना, लेकिन आज बता दो कहाँ रखते हो, पता चलेगा मैं भाग जाऊंगा, वापस कभी आपके रास्ते नहीं आऊंगा, आपको तकलीफ नहीं दूंगा, मुझे बस बता दो। उतना समझना है, क्योंकि जब तक नहीं समझता मेरे हृदय की विचलित बढ़ती रहेगी। महात्मा कहते हैं भले आदमी जब तू मुझे मिला था तब मुझे पता चल चुका था कि तू चोर है। बोले आपको कैसे पता चला? बोले भाई जो भी आदमी सामने आ जाता है उसे कहने की जरूरत नहीं होती, वो कैसे स्वभाव का है उसका चेहरा बोलता है, उसकी नजर बोलती है, उसका मुस्कुराना बोलता है, उसका देखना बोलता है, उसके हमारे सबके चेहरे से पता चल जाता है आप कैसे हो। बोले फिर भी आपने मुझे अपने कमरे में रखा? बोले यही इसलिए तो हम महात्मा है। तो बोले मुझे पता था तो चोरी जरूर करेगा, तो हरकत जरूर करेगा, इसलिए मैं पैसे ऐसी जगह रखता था कि तुझे मिले ही नहीं। बोले कहाँ रखते थे महाराज जी पैसे बताओ? बोले मुझे पता था तू सब जगह पैसे ढूंढेगा लेकिन एक जगह नहीं ढूंढेगा। बोले क्यों हमारी वो बढ़ा रहे हो, उत्सुकता बढ़ा रहे हो, बता भी दो कहाँ रखते थे। बोले मैं तेरे तकिए के नीचे पैसे रखता था, मुझे पता था तू मेरे तकिए के नीचे जरूर ढूंढेगा, मेरे बिछौने के नीचे ढूंढेगा, मेरे खिसे में, लेकिन तेरे तकिए के नीचे तू ढूंढने वाला नहीं है, मैं वहां रखता था। बताइए क्या हालत हुई होगी बेचारे की। अब तो सर पीटने लगा, कितना आसान था, लेकिन जिसे मैं ढूंढ रहा था वो मेरे अपने पास था, मैं कहीं और ढूंढता रहा। वैसे हमारा हो रहा है, पानी में मीन प्यासी मुझे देखत आवत हसी। जैसे कोई मछली पानी में रह रही हो और मछली कहे कि मैं प्यासी हूं तो हमें हंसी आ जाती है, पानी में रहती है और कैसे तू प्यासी रह सकती है। वैसे हम भी जब कहते हैं हमें भगवान को ढूंढ, हम भगवान को ढूंढ रहे हैं और भगवान हमें चाहिए, वो वैसे ही तो बात है। आप जिसे ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं, वो आपसे अलग नहीं, वो तो आपके हृदय में है, वो आपके पास ही है, वो आपसे अलग नहीं है। और जब अलग हो जाएगा ना आपसे, तो आंख होकर भी दिखाई नहीं देगा, कान होकर सुनाई नहीं देगा, मुख अगर आप बोल नहीं पाओगे और भोजन नहीं कर पाओगे, जब वो साथ छोड़ देगा। आप मुझे देख रहे हो? मैं देख रहा हूं आपको। वैसे देखना तो मुश्किल है क्योंकि इतने बड़े मंच पर इतना छोटा सा हमारा शरीर, वैसे इतने बड़े मंच पर तो ढूंढना पड़ता होगा पहले तो, ये वक्ता बैठा कहाँ है, इतना बड़ा मंच है तो मुझे देख पा रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो,
मैंने जब पूछा था दिख रहा हूं तो आपने कहा था हा, मतलब बोल भी पा रहे हो। लेकिन जब आप सुन पा रहे हो, बोल पा रहे हो, देख पा रहे हो, इसका मतलब आप में वो विराजमान है जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं और जिसके पीछे गोपियां पागल बन चुकी है, गोपियां समर्पित हो चुकी है, गोपियां उसकी बन चुकी है। वो आपके हृदय में विराजमान है, शरीर में विराजमान है, इसलिए तो देख सुन पा रहे हो। और जब वो शरीर को छोड़ देगा तो दिखना बंद, बोलना बंद, सुनना बंद। आप सुन रहे हो इसका मतलब वो भीतर विराजमान है। बस अब वो जगह है, वहां ढूंढने की हम कोशिश करें, चित्त को एक करें, वो वहां मिल सकता है। निर्गुण गोपिया हमें पता बता रही है इस श्लोक में कि वो बस गोकुल में आया था और फिर ऐसे लीलाएं की थी, कंस का वध किया था, ऐसा नहीं। अरे वो तो उससे पहले भी आया था, वो तो हर युग में आता रहा है, आता रहेगा। अरे इस सृष्टि के निर्माण के पहले से वो था और विलय के बाद भी शेष रहेगा, वो तो सनातन है। भगवान के असल रूप को प्रकट करती है ये निर्गुण गोपिया, वो तो सब में समाया हुआ है, सब जीव प्राणी मात्रों में वही तो है जो है। बस ये शरीर और ये जो भौतिक जगत दिख रहा है वो तो समाप्त होने वाला है। गोपी सुंदर ऐसे भगवान को हमें समझाने की कोशिश कर रही है, भगवान का पता हम सबको बता रही है। और अपने प्रियतम को जानने के लिए प्रेम ही एकमात्र ज्ञान है। अगर उस परमात्मा को हम जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, जो हृदय हृदय में बसता है, सबके शरीर में बसा हुआ है, तो गोपी गीत में संदेश है, अगर उसका ज्ञान आपको चाहिए तो प्रेम ही एक ऐसा रास्ता है, प्रेम ही ऐसा एक मार्ग है जो भगवान तक हमें ले जाता है, भगवान की अनुभूति कराता है। इसे प्रेम हृदय में भरना जरूरी है, हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का निर्माण होना जरूरी है। और गोपियां भगवान के अलग अलग स्वरूप को यहाँ पर प्रकट करती है और शब्द का प्रयोग करती है। श्लोक में एक शब्द का प्रयोग गोपियां करती है कि ये जो है गोपी का नंदन है, दूसरे शब्द का प्रयोग करती है ये कैसा है, अखिल देहिनाम अंतरात्म द्रक, दूसरे शब्द का प्रयोग किया। और तीसरे शब्द का इसी में प्रयोग किया, गोपियों ने विघन सारथीत विश्व गुप्त उदयवान, इस शब्द का प्रयोग करती है और भगवान के स्वरूप को प्रकट करती है कि भगवान कैसे है, भगवान आनंदमय है, भगवान कैसे है, भगवान आप चित घन स्वरूप है, भगवान कैसे है, तो भगवान आप पूर्ण सत्ता को धारण करने वाले हैं। ऐसे वर्णन गोपी इस श्लोक के माध्यम से यहां पर कर रही है, भगवान का वर्णन करती है और कहती है आप भगवान को शरण हो जाइए, भगवान के बन जाइए, जिसका वर्णन ये गोपियां कर रही है। बस वही तो एक इस दुनिया में है, बस दूसरा कुछ है ही नहीं दुनिया में। लेकिन ये कब अनुभूति होगी, जब एकांत में बैठकर याद करोगे, साधना करोगे, तब जब वो द्वैत मिट जाएगा तब। इसीलिए आइए हम भी भगवान की शरण हो जाए। बाकी दुनिया की शरण में तो हम चले जाते हैं और परिणामों में दुख मिलता है, संसार के होकर रह रहे हैं इसलिए दुख परिणाम में मिल रहा है। गोपी गीत इसलिए सुनना चाहिए कि गोपियां भगवान को समर्पित है ना, इसलिए आनंद को पा रही है। अब जहां जो है वही मिलेगा,
संसार के पास अपेक्षा रखोगे तो दुख ही मिलेगा, संसार की उपज ही दुख है, और आनंद तो उस परमात्मा के पास है। इसलिए संसार की शरण रहोगे तो दुख, और भगवान की शरण में रहकर जियोगे तो आनंद की अनुभूति। इसीलिए तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, घनश्याम की शरण में, 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 गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गिरिराज की शरण में, जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में, जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में, जीवन की डोर सौंप दे उनके ही हाथ में, जीवन की डोर सौंप दे उनके हाथ में, फिर भय न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा, फिर भय न कोई होगा गिरिराज की शरण में, फिर भय न कोई होगा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, एक बार आजा गिरिराज की शरण में, श्रद्धा से सिर झुका दे गिरिराज की शरण में, श्रद्धा से सिर झुका दे गिरिराज की शरण में, विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में, विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में,
विश्वास अटल रखना गिरिराज की शरण में, निर्मय हृदय रहेगा, निर्मय हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में, निर्मल हृदय रहेगा गिरिराज की शरण में। एक बार राजा गिरिराज की शरण में, एक बार राजा गिरिराज की शरण में, एक बार राजा गिरिराज की शरण में, 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 घनश्याम की शरण में, गिरिराज की शरण में, घनश्याम की शरण में, गिरिराज की शरण में, शरण में, घनश्याम की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, घनश्याम की शरण में, गिरिराज की शरण में, घनश्याम की शरण में, गिरिराज की शरण में। एक बार आजा गिरिराज की शरण में। तो गोपियों का इस श्लोक में भाव रहा है कि हम जो अंतर्यामी हैं उस भगवान की शरण में रहे, उस भगवान के बनकर रहे, ये गोपियां उसी तरह समर्पित है भगवान को, इसलिए पवित्र है, इसलिए इनका स्मरण हृदय को प्रसन्नता प्रदान करता है। तो गोपियों का भाव है, जैसे हम भी भगवान के मंदिर जाए तो भगवान के लिए हम और कुछ प्रसाद ले जाए न ले जाए, जल फूल फूलमाला ले जाए न ले जाए, लेकिन वो अर्पण करते समय हम अपने आप को भी अर्पण करने की कोशिश करें। जैसे वो कथा आपने सुनी होगी, वो पूरे श्लोक का भाव प्रकट करती है कि एक चोर एक दिन भगवान महादेव के मंदिर चोरी करने पहुंच गया, चोरी करने कुछ मिला नहीं, अगरबत्ती आधी जली हुई अगरबत्ती की कुछ काड़िया पड़ी थी। बोले ऐसे मंदिर, ऐसा मंदिर भी मिला चोरी करने, गांव वालों ने ऐसा मंदिर बना रखा भगवान महादेव का जहां चोरी करने कुछ है ही नहीं। लेकिन पानी का बूंद टपक रहा था ऊपर, देखा तो वो जो जलधारा थी
वो सोचने लगा इसी को क्यों ना निकाले और कल बेच दे इसे, थोड़े तो पैसे मिले, एक दिन तो निकल जाए। फिर हाथ पहुंच नहीं रहा था, कुछ ढूंढने लगा, कुछ पैरों के नीचे रखूं और फिर निकालूं, कुछ मिला ही नहीं। सोचा अब यहां है कौन मेरे सिवाय दूसरा, तो भगवान महादेव के पिंड के ऊपर ही चढ़ गया और फिर निकालने लगा, वो जलकुंभ जो था निकालने लगा। मध्य रात्रि के समय एकदम से भगवान महादेव प्रकट हो जाते हैं। भगवान महादेव को सामने पाते ही ये चोर तो घबराने लगा, डरने लगा, भयभीत होने लगा, कांपने लगा। भगवान महादेव कहने लगे, अरे क्यों डर रहे हो, क्यों भयभीत हो गए, हम तो प्रसन्न है भगत, जो चाहिए मांग लो, आज हम खुश है। भगत सोचने लगा, भगवान मजाक तो नहीं कर रहे हो। बोले, मजाक नहीं कर रहा, सचमुच प्रसन्न हो, जो चाहिए मांग ले। बोले, भगवान सुना तो था आप भोले हो, इतने भोले हो नहीं पता था। बोले, क्या हुआ? बोले, नीचे देखो नीचे। बोले, नीचे नहीं, मुझे नीचे ऊपर दाएं बाएं सब पता होता है, तो किसी कोने में जाकर क्यों ना तू गलत काम कर, वहां भी मेरा कैमरा लगा होता है, मैं वो भी देखता हूं, मुझे वो भी पता है कि तू मेरे पिंड के ऊपर पैर रखे खड़ा है। तो बोले, भगवान वरदान कैसे दो दे रहे हो, फिर मुझे तो दंड देना चाहिए। बोले, नहीं, मैं तो आज बहुत खुश हुआ, आज तो मंदिर आया, मैं बहुत खुश हुआ। बोले, आपके खुशी का कारण समझ सकता हूं? चोर ने पूछा। भगवान कहने लगे, बोले, देख मेरे खुशी का कारण ये है, आज तक मेरे दरबार में कई भगत आए लेकिन तू अलग है। बोले, कैसे? बोले, जो मेरे मंदिर आया, कोई जल लेकर आया चढ़ाया, कोई फूल लेकर आया चढ़ाया, कोई बिल पत्र ले आया वो चढ़ाया, लेकिन तू मेरे मंदिर आया तो तूने अपने आप को मेरे ऊपर समर्पित कर दिया, अपने आप को चढ़ाया मेरे ऊपर। भगत, मुझे वो पसंद आया कि तूने अपने आप को समर्पित कर दिया, मैं खुश हूं। भगवान हमारी आहुति चाहते हैं, अपने विकार विषयों की आहुति चाहते। भगवान को समर्पित हो जाने का मतलब है हम अपने विषयों को मिटा दे, और विषयों का मिटना, विकारों का मिटना ही भगवान का बन जाना है, अपने दोषों को हटा देना ही भगवान का बन जाना है। इस तरह से हम भगवान का बनने की कोशिश करें, नहीं तो फूल चढ़ता रहेगा, जल चढ़ता रहेगा, अगरबत्ती होती रहेगी, आरती होती रहेगी, कथा होती रहेगी, लेकिन अगर विकार विषय वैसे ही पड़े रहेंगे तो वो अगरबत्ती आरती कोई परिणाम नहीं दे सकती। इसलिए आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो। कल जिसने एकादशी के दिन अपने मन की तरंग को मार दिया होगा, समझना कि अब हम पथ पर चल पड़े हैं, और यहां भोजन न बनने के कारण कहीं और जाके आपने आपके पेट भरा होगा, तो समझना अभी तक हमारे मन की तरंग मरी नहीं है। एकादशी के दिन भी जब कुंभ मेला चल रहा हो, जब इतने मुहूर्त हो, जब कथा चल रही हो, अनुष्ठान चल रहा हो, गंगा मैया का स्नान चल रहा हो, और फिर भी पेट की चिंता सताए जा रही है, फिर भी ये जो जीवा है, रसना है, फिर भी ललचा रही है, फिर भी हमें डोसा की तरफ ले जा रही है, फिर भी हमें वो समोसे की तरफ ले जा रही है, तो समझना
मंदिर जाने से और प्रयाग जाने से अभी कोई फायदा नहीं हो रहा है। बात कड़वी है लेकिन आपके फतेह की है, आपके कल्याण की है। साधना भाई कथा में आकर बैठ जाना साधना नहीं होती, हर रोज मंदिर जाना साधना नहीं है, माला करना साधना नहीं, परिणाम भी तो है। माला हो रही है, मंदिर जा रहे हो, कथा में बैठे हो, लेकिन मन कहीं भटक रहा है। इसलिए संतों ने कहा, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ये मन जो आपको भटकाता है, आपको मन ये ऊपर उठने ही नहीं देता, ये न तो व्रत करने देगा न अनुष्ठान करने देगा। संत प्याज लहसुन नहीं खाते, कोई पूछते ही क्यों, ये अनुष्ठान है, इसे कोई पाप होता पुण्य होता नहीं। लेकिन वो चाहते हैं कि मैं अनुष्ठान करूं, अपने मन को मारूं, दंड दूं अपने मन को। मन चाहेगा कि वो प्याज वाले जो पकौड़े हैं वो खाने चाहिए, लेकिन मैं अपने आप को काबू करूंगा, भूख लगने के बाद भी प्याज वाले पकौड़े नहीं खाऊंगा। ये संतों की साधना होती है, वो अपने मन को पीटते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, फटकारते हैं, मन को रोकते हैं। और जो मन को रोकने में कामयाब बनते हैं ना, वो फिर इस प्रेम के पथ पर चल पड़ते हैं। उन्हीं का काम है प्रेम के पथ पर चलना। यहां सब नहीं चल सकते, ओ तो ये प्रेम का पथ, भगवान को प्राप्त करने का पथ तो तलवार की धार पर चलने जैसा कठिन है, आसान नहीं है। इसीलिए ये साधना, ये व्रत जरूरी है। हमें भगवान चाहिए और वो भी सहजता से चाहिए, नहीं मिले मीराबाई को सहजता से, गोपियों को भी सहजता से नहीं मिले हैं, नहीं मिलते, नहीं मिला करते। और अगर कोशिश न करें मैं और आप, तो जन्म 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 भटकते ही रहेंगे, भटकना ही पड़ता है। और आज तक यही तो कर रहे, जन्म हुआ, मृत्यु हुई और ऐसी वासनाओं को लेकर मर गए कि वापस नए शरीर को धारण करना पड़ा, आज तक यही तो हो रहा है ना। इसलिए मन के तरंग मारने की जरूरत है। और संत तो वर्णन करते हैं, ये जो प्रेम नगर है ना, उसके बारे में वर्णन करते हैं, प्रेम नगर की बात बताते हैं कि ये प्रेम नगर हम सोचते उतना आसान भी नहीं है। और हमारे ब्रह्मानंद जी वर्णन करते हैं, प्रेमनगर मत जाना मुसाफिर, प्रेमनगर मत जाना, प्रेमनगर का पंथ कठिन है, प्रेमनगर का पंथ कठिन है, ऊंचे शिर ठिकाना। प्रेमनगर का पंथ कठिन है, ऊंचे शिखर ठिकाना। ये पंथ आसान नहीं है, कठिन है, और चलना ही है, प्रेम नगर में आना ही है, इस प्रेम के पथ पर चलना ही है। तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तैयारी रखनी पड़ेगी, इसमें बहुत दिक्कतें भी आएगी, आपको पार करना पड़ेगा। माया फंसाने की कोशिश करेगी, आसक्ति फंसाएगी, कर्म बंधन रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उन बंधनों को तोड़ना पड़ेगा।
वासना को शांत करना पड़ेगा, चित्त को शांत करना पड़ेगा, उस मोह से हटना पड़ेगा जो मोह के बंधन में हम फंस जाते हैं, माया में फंस जाते हैं, अपना अपना कहने में भूल जाते हैं, उस वो सब कुछ हटाना पड़ेगा, तब जाके हम प्रेम के पंथ पर चल सकते हैं और अपने निज धाम को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये कोई आसान बात नहीं है, इसलिए हम अपने आप को सिद्ध बनाए, अपने आप का निर्माण करें, अपने चंचल मन को स्थिर करने की कोशिश करें। तो ये होने के बाद ही ये व्रत इसीलिए है कि हम विजय प्राप्त करें, अपने पेट में भूख हो और रसना ललचा रही हो कुछ पाने के लिए, और हम उस मन को रोक दे, जो मन, क्योंकि ये प्रैक्टिस मैच होती है, मन जैसे कहेगा वैसे करते जाओगे तो आयु जीवन भर भजन होगा ही नहीं, जीवन का कल्याण होगा ही नहीं। प्रैक्टिस ये करनी है कि मन कहे भी, मन थोड़ी नटखटता करे भी मन, लेकिन मैं उस मन को रोक पाऊं, ये कोशिश हमने करनी होती है। इसलिए संत महात्मा ये अनुष्ठान भी करते हैं, व्रत उपवास भी करते रहते हैं। तो इसीलिए ये गोपियां भगवान को प्रार्थना करती है कि आप के दर्शन ही हमारे लिए सर्वस्व है, हम आपको शरण है। श्याम सुंदर उन गोपियों को कहते हैं कि हे सखियो, तुम्हारी बात गलत नहीं है, मैं तो मात्र यशोदा का पुत्र नहीं हूं, मैं तो सभी के हृदय में निवास करने वाला अंतर्यामी हूं, जिसका मेरे साथ जैसे व्यवहार होता है मैं उसे वैसा अनुभव करवाता हूं। गोपियों का प्रेम का व्यवहार था, गोपियों को प्रेम की अनुभूति हुई, और जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, कंस का जैसे स्वभाव था भगवान ने उसको वैसे अनुभूति दी, छाती पर बैठ के गला ही दबा दिया, क्योंकि व्यवहार ही वैसे था, कार्य ही वैसे था। तो हमारे ऊपर वो सारा निर्णय होता है कि भगवान की अनुभूति हमें कैसे होगी, जैसे हमारा स्वभाव वैसे भगवान की अनुभूति हुआ करती है। गोपिया कहती है, भगवान आप सचमुच अंतर्यामी हैं, कहिए क्या आपको हृदय के विषय में कुछ मालूम है। गोपिया कहती है, क्या हमारे हृदय के विषय में आपको कुछ मालूम है, क्योंकि आप भी कह रहे हो अंतर्यामी हो, इसलिए हम पूछते हैं। हम लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, हम आपको याद कर रहे हैं, हम इतनी प्रार्थना आपको हे अंतर्यामी परमात्मा कर रहे हैं, फिर भी तो आपको हमारे लिए कुछ लगता ही नहीं है, आप हमारी बात सुनते ही नहीं हो, आपको पता ही नहीं चलता हमारा दर्द कितना गहरा है। भगवान हम विचलित हो रहे हैं, हे प्यारे, यदि किसी का प्रेम स्वीकार न करना हो तो कोई बात नहीं। बहुत गहरी बात गोपिया कह रही है कि हे प्यारे, अगर किसी का प्रेम स्वीकार न करना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उस प्रेम को कुल्हाड़ी से मार तो नहीं देना चाहिए। भले किसी के प्रेम को स्वीकार न करे, लेकिन कुल्हाड़ी से तोड़ तो नहीं देना चाहिए, मार तो नहीं देना चाहिए। आप तो हमारे साथ भगवान वैसा ही व्यवहार कर रहे हो कि हमारे प्रेम को स्वीकार तो नहीं कर रहे हो और कुल्हाड़ी से हमें जरूर मार रहे हो, जरूर हमें इसकी तकलीफ हो रही है। तो गोपिया शब्द का इस भगवान की स्तुति करती है और अनेक व्याख्याएं भगवान के बारे में ये सारी गोपिया इस श्लोक में करती है, भगवान के निर्गुण स्वरूप को प्रकट करती है। आइए अगले पांचवें श्लोक का हम स्मरण करते हैं, और जो 15-20 मिनट अपने पास में है उसमें जितनी चर्चा हो सके उतनी कोशिश हम करते हैं।
बाकी शेष समय में फिर आज हमें और भगवान के रासलीला का दर्शन आज करना है, फिर आरती होगी, फिर आप जो चाहते हो वही होगा, कथा विश्राम होगी, कथा विश्राम लेगी। तो आइए एक पांचवें श्लोक का स्मरण करते हैं, क्योंकि मैं चौथे श्लोक का ही चिंतन करते रहूं तो कल का दिन भी पूरा हो जाए, तो पांचवें श्लोक में जाना ही नहीं है। तो बहुत बहुत सारी ये हमें संदेश देने वाली सारी बातें हैं, और मैं भागदौड़ नहीं कर रहा हूँ, आराम से एक एक बात को आपके सामने रखता हुआ, और मैं अपने हृदय में भी भाव भर रहा हूँ, मैं अपना चिंतन भी कर रहा हूँ, और इस माँ गंगा की गोद में बैठकर आनंद लेना चाहता हूँ। इसलिए मेरी कोई कोशिश नहीं है पूरे के पूरे श्लोक हो जाए, जो भी हो 5-6-7 काफी है। फिर 12 साल के बाद मैं भी आऊंगा, आपने भी आना है, और प्रयागराज में अगले श्लोक से फिर अगली कथा का रसपान करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। तो आइए पांचवें श्लोक का स्मरण करते हैं। विरचिता भयम् रुष्णिधूर्यते चरणमीयुषा संश्रुतेर्भया विरचिता भयम् श्लोक में गोपियां वर्णन करती है कि हे रुष्णि कुल में श्रेष्ठ, संसार के भय से आपके चरणों का आश्रय लेने वाले को आप अभय प्रदान करते हैं और आप उनकी कामनाएं पूर्ण करते हैं। हे कांत, आपने जिस श्री हस्त से लक्ष्मी जी के साथ पानी ग्रहण किया है, वह आपका करकमल कृपया हमारे मस्तक पर धरिए। गोपिया वर्णन करती है कि आपका वो हस्त हमारे मस्तक पर धारण करिए, कि हमें आप आशीर्वाद दीजिए। और वो भी वो कहती है ऐसे आशीर्वाद नहीं चाहिए आपको, आपका जो हस्त है वो हमारे मस्तक पर धारण करना होगा, मतलब स्पर्श होना चाहिए हमारे मस्तक को। अब ये आग्रह तो इसलिए कर पा रही है कि आग्रह करने का अधिकार भी इनके पास है, और वो भगवान को ऐसे आग्रह करे ऐसी इनकी भक्ति है और समर्पण है, क्योंकि जहां प्रेम हो अधिकार वहां उमटता है। हम किस सब पे अधिकारवाणी से नहीं बोल सकते, जहां प्रेम है, किसी ने हमें डांटा, हमारे ऊपर क्रोध किया, तो समझना ये आदमी हमसे प्रेम करता है,
इसलिए अधिकार से समझा भी रहा है। इसीलिए ये भगवान के पास अपेक्षा व्यक्त करती है गोपिया, और ये गोपिया जो है सात्विक भाव वाला ये जूत है, और सात्विक भाव को धारण करने वाली ये गोपिया अनन्य पूर्वा गोपिया इस श्लोक में श्याम को प्रार्थना करती है, अनन्य भाव से भगवान को विनती कर रही है। ये सारी गोपिया भगवान को प्रार्थना करती है कि भगवान इस प्रेम नगर के मूल्य जगत के मूल्यों से भिन्न है। इस श्लोक का भाव संतों ने वर्णन किया, और भाव वर्णन करते हैं कि इस प्रेम नगर के मूल्य जगत के मूल्यों से भिन्न है। प्रेम का जो मूल्य है वो जगत के मूल्य से भिन्न है। दोनों की क्षमता अलग है, दोनों के परिणाम अलग है, दोनों की कीमतें अलग है, गोपिया कह रही है। एक दुख दे और एक आनंद, दोनों में फर्क है। आपको जो चाहिए उसकी शरण में हम रहने की कोशिश करें। इस प्रेम नगरी में संतोष होना यह दोष रूप है, गोपिया कह रही है। इस प्रेम नगरी में संतोष मान लेना दोष है, और असंतोष होना गुण रूप है। अब ये गोपिया ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि इनकी इनकी अपेक्षाएं बढ़ रही है ना भगवान से। एक बार कहती है हमारी ओर देख लो, हमें दर्शन दे दो, अब बोल रही है हमारे मस्तक पर हाथ धरा दो, हस्त धरा दो, अपेक्षाएं बढ़ रही है, प्रेम और बढ़ रहा है। इसलिए गोपिया कह रही है ये हमें संतोष तो प्रेम का संतोष कभी होगा ही नहीं कृष्ण, क्योंकि जहां प्रेम होता है ना वहां असंतोष ही होता है। और प्रेम करूं, और प्रेम करूं, और भजन करूं, और भजन करूं, और कथा सुनो, और कथा सुनो, कभी संतोष होता ही नहीं है। और जब कभी संतोष हो जाए कि अब भजन हो गया और कथा सुन ली, समझ लेना कि ये बात अभी बनी नहीं है। और 8 दिन कथा सुनने के बाद भी हृदय में लगे कि और कथा चलनी चाहिए थी, और भजन चलना चाहिए था, और संतोष ही महसूस हो तो प्रेम नगरी में एक गुण है, ये गुण है। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, प्रेम कभी कम नहीं होता जाता, प्रेम तो और बढ़ते ही चला जाता है। इसलिए इन गोपियों का प्रेम और बढ़ रहा है, ये संतोष नहीं करना चाहती, संतोष नहीं करना चाहती, ये तृप्त नहीं होना चाहती। ये कृष्ण प्रेम में हमेशा अतृप्त ही रहना पसंद करती है, क्योंकि ये सारी गोपियां भगवान को समझ चुकी है, भगवान को समझ रही है, भगवान को प्राप्त करने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है, प्रसन्न करने की कोशिश कर रही है। जब इन गोपियों की मुलाकात करने भगवान उद्धव को भेजते हैं, तो उद्धव गोपियों को मिलने जाते हैं, गोपियों की मुलाकात करते हैं, अनुभव हुआ भक्ति का। और जब उद्धव पूछते हैं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, कहिए, आपको इस हालत में मैं देख नहीं सकता, हृदय भर आया महाराज उद्धव का। और महाराज उद्धव कुछ मदद करना चाहते हैं गोपियों को, तो कहा मैं कुछ मदद कर सकता हूं आपकी, तो गोपिया मदद मांग रही है उद्धव से, और उद्धव को कह रही है मिला दो श्याम से उद्धव, तेरा गुण हम भी गाएंगे। उद्धव ने जब कहा मैं
कुछ मदद कर सकता हूं, मैं आई हेल्प यू। तब गोपियों ने कहा, मिला दो श्याम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे, मिला शाम से उधो तेरा गुण हम भी गाएंगे। अगर कुछ मदद करना चाहते हो उद्धव,
तो बस हमारे श्याम को हमसे मिला दो। अगर कुछ मदद करना चाहते हो उद्धव, तो हमारे श्याम को वापस हमारे इस ब्रज में ले आओ। हम अपने श्याम को चाहते हैं। इनकी चाहत कोई बची ही नहीं थी, इन गोपियों की इनकी चाहत, इनकी तरस, इनकी जो प्यास थी, इनकी जो भूख थी, बस भगवान ही थे, कृष्ण ही थे, बस और इनकी कोई चाहत बची ही नहीं थी। ये भगवान की बन चुकी थी और भगवान को समर्पित हो चुकी थी, पूरे पूरे अपने भाव से खुद की आहुति दे चुकी थी गोपाल कृष्ण के लिए। तो ये गोपियां भगवान को पाना चाहती है, ये गोपियां उद्धव को भी कह रही है कि हमें हमारे श्याम को मिला दो, अगर श्याम को मिला देते हो तो हे उद्धव हम तेरा भी गुण गाएंगे, हम तेरे ऋण में रहेंगे, उद्धव हम तेरा आभार करेंगे, धन्यवाद करेंगे, लेकिन किसी भी हालत में आप हमें हमारे श्याम से मिला दो, हमें तो श्याम चाहिए। ये गोपियों का भाव है और इसे कहते हैं अनन्य भाव, अनन्य भक्ति, न अन्य। ये कृष्ण के अलावा कोई इच्छा ही नहीं है, कृष्ण के अलावा कोई वासना ही नहीं है, कृष्ण के अलावा कोई आसक्ता ही नहीं, आसक्ति ही नहीं है, और कृष्ण के अलावा न मन में कुछ है, न हृदय में कुछ है, न अंतःकरण में, रोम रोम में इनके कृष्ण बस चुके हैं। ये अनन्य भाव गोपियों का है, इसलिए गोपियों का स्मरण अपने आप में हृदय को शुद्ध बनाता है। गोपियों का स्मरण, गोपियों की ये चर्चा, गोपियों का ये जो भाव है, अंतकरण को वृंदावन बनाता है, अंतकरण को शुद्ध बनाता है। और जैसे ही गोपियों का स्मरण हो हमारा, हमारे हृदय से ये सारा जो अंधकार है वो नष्ट हो जाता है और कृष्ण प्रेम का प्रकाश हृदय में फैल जाता है। इसीलिए ये चर्चा, इसीलिए गोपियों को याद करना, इसलिए गोपियों की याद, ये मंगलमय स्तुति, मधुर भगवान का यह चरित्र सुनना, श्रवण करना जरूरी है। तो प्रेम की और भी व्याख्या इस श्लोक में हम सबको मिलती है। इस श्लोक के माध्यम से गोपियां बहुत एक अच्छा चिंतन करने की कोशिश करती है। इस श्लोक के माध्यम से गोपियां प्रेम रस की बात करती है, प्रेम नगर की बात करती है। गोपियां भगवान का प्रेम का वर्णन करती है और कभी कभी ये भगवान के ऊपर क्रोध करती है, भगवान के ऊपर नाराज भी हो जाती है, भगवान को कुछ बोल भी देती है। खलु शब्द का प्रयोग भी पहले श्लोक में गोपियां करती है भगवान के लिए। अब ये जो वर्णन गोपियों ने किया है उसमें तो भगवान को जो बड़े बड़े नाखून वाला बंदर नहीं होता, तो बड़े बड़े नाखून वाला बंदर बोलती है भगवान को। क्यों? जैसे बड़े बड़े नाखून वाला बंदर वस्त्रों को फाड़ देता है ना अपने नाखूनों से, अरे तू तो वैसे ही है, तूने भी हमारे हृदय रूपी वस्त्र को तार तार कर दिया है, फाड़ दिया है, कृष्ण तो भी तो वैसा ही है। ये गोपियों को अधिकार है, अधिकारवाणी से गोपियां बोल, कभी क्रोध भी करती है क्योंकि प्रेम जो है, प्रेम मनुष्य को उग्र भी बना देता है। प्रेम रस जो है वो मनुष्य को उग्र भी बना देता है, वैसे ज्ञान जो है मानव को शांत और स्थिर बनाता है, लेकिन प्रेम उग्र बनाता है। ज्ञान शांत जरूर बनाएगा, स्थिर बनाता है, तथापि अब ज्ञान शांत बनाता है और प्रेम उग्र बनाता है,
लेकिन प्रेम की उग्रता में भी मधुरता होती है। प्रेम की जहां प्रेम है वहां उग्रता है, ज्ञान शांत करता है और प्रेम उग्र बनाता है, लेकिन जो प्रेम की उग्रता है उसमें भी मधुरता है। कैसे? अगर हम दिन भर काम ही करते रहे, काम करते रहे, भागते रहे, भागते रहे, काम करते रहे, तो जो माँ होती है हमारी, वो माँ उग्र हो जाती है। कब तक घूमते रहोगे, काम करते रहोगे? काम करना ही है, पूरे जीवन में काम करना है। अब यहाँ आओ और भोजन कर लो, खबरदार अभी यहां से भागे, बैठो यहां भोजन करो। उग्रता है, लेकिन इस उग्रता में मधुरता की अनुभूति है। उग्रता है माँ के अंतकरण में, उग्रता है, उग्र हो गई माँ, लेकिन क्यों उग्र हो गई? हमारे ही लिए उग्र हो गई। तो प्रेम में उग्रता आ जाती है, लेकिन प्रेम की उग्रता मधुरता के कारण होती है, मधुरता का निर्माण करती है। इसलिए इनका जो प्रेम भगवान के ऊपर है, तो इस प्रेम में उग्रता भी है, उग्र होकर यह भगवान को फटकार भी रही है, न आने पर क्रोध भी कर रही है, और न जाने अब उग्र होकर। पहले श्लोक में हमने देखा कि ये वो बूढ़े बाबा को क्या बोलती है, ब्रह्मा जी को क्या बोलती है गोपी, वो भी हमें मूर्ख लगता है, जिसने ये जो पलक दे दिए हमारे आंख के ऊपर, ये पलक नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि ये बीच में हम हमारे कृष्ण को देख रहे होते हैं तो ये पलक बीच में बाधा डाल देते, पलक नहीं होनी चाहिए थी, उग्र होती है। तो प्रेम में उग्रता भी आ जाती है, लेकिन ये उग्रता मधुरता का निर्माण करती है। उसका उदाहरण हमें गोपी गीत में मिलता है, गोपियों के जीवन में मिलता है। स्वामी जी को राम जी के कई भक्त थे, वो राम जी की सेवा करते थे, लेकिन कभी संतुष्ट नहीं होते थे कि हम भगवान की सेवा कर रहे, और सेवा करने का मन, और सेवा करने का मन सबका वहां पर होता था, मन में असंतोष ही रहता था कि मुझे भगवान राम की बहुत कम सेवा करने मिल रही है, असंतोष रहता था। मतलब सब चाहते थे मैं राम जी की सेवा करूं, मैं राम जी की सेवा करूं, जो सेवा मिले वो सेवा करूं, लेकिन मन में असंतोष रहता था कि जितनी सेवा चाहिए वो मुझे मिल नहीं रही, ढूंढते थे क्या सेवा करें, ऐसा असंतोष रहता था। श्री अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज जो है, वो सबसे अधिक सेवा कर लिया करते थे भगवान की, और ऐसी सेवा करते थे, ऐसी मग्न रहते थे सेवा में कि किसी और का नंबर ही नहीं लगता सेवा के लिए। पहले ही सब असंतुष्ट रहते थे, सेवा कम मिलती, उसमें सारे काम निपटा देते थे हनुमान जी, तो किसी का नंबर ही नहीं लगता था सेवा करने के लिए, और सब फिर नाराज रहते थे कि हमें सेवा का मौका नहीं मिल रहा। अब सबने एक प्लान बनाया कि जब हनुमान जी बाहर निकल जाएंगे, बाहर जाएंगे, तब हम भगवान के पास, रघुनाथ जी के पास सेवा की याचना करेंगे।
तो इन्होंने एक प्लान बनाया कि अब हनुमान जी बाहर गए, फिर इन्होंने एक लिस्ट तैयार की सबने मिलकर। अब उसमें बाकी सभी उसमें जुड़ गए थे और सबने एक, जिसमें जानकी जी थे, लक्ष्मण जी थे, और उसमें महाराज शत्रुघ्न भी थे, सब थे उसमें। सबने एक लिस्ट बनाई और भगवान को कहा। अब इन्होंने जब लिस्ट बनाई तब पूरा ढूंढा कि क्या क्या सेवाएं होती है, कौन कौन सेवा होती है, भगवान जागने से जब विश्राम करने जाते हैं तब तक कौन कौन सी सेवाएं होती है। तो भगवान की सारी सेवाओं की लिस्ट बनाई, भगवान के पास गए। अब हनुमान जी तो बाहर चले गए थे और भगवान को लिस्ट बताई कि ये सारी सेवाएं आपकी है और ये सारी सेवाएं हम करना चाहते हैं। और वो सारी सेवाएं, अब जहां है हम वहां बैठ जाए, ज्यादा हलचल नहीं करे, आप यहां ध्यान दे सब 5 मिनट के लिए। जो भी सारी भगवान की सेवाएं थी वो सारी सेवाएं इन्होंने कागज बनवाया, लिखी, भगवान को बताया। अब हनुमान जी नहीं थे, बाहर थे, हनुमान के पीछे ही तो ड्यूटी लगानी थी अपनी सबने, कि हनुमान के लिए कोई सेवा छोड़े ही नहीं, हनुमान का काम ही नहीं रखना है बस। सब ने सारे काम याद करके कि कोई रह नहीं जाए, हनुमान के लिए कोई काम बचे ही नहीं, इतनी कोशिश करके लिस्ट बनवाई। भगवान को कहा इतना काम होता है, ये काम सीता जी करेगी, ये काम हनुमान जी, ये काम भरत जी, ये काम शत्रुघ्न जी, ये काम सुग्रीव जी, ये सब लिस्ट बनवाई, सारे काम सबने बांट लिए, भगवान ने भी मंजूरी दे दी। जब हनुमान जी महाराज बाहर से वापस आए तो उनको पता चला कि अरे सारे काम तो सबने बांट लिए, मेरे लिए तो कोई काम बचा ही नहीं। हनुमान जी का चेहरा उदास हो गया। उल्टा है, हमें जब कोई काम बताया जाए तो हम उदास होते हैं, यहां कोई काम मिल नहीं रहा इसलिए हनुमान जी उदास होते हैं, क्योंकि सेवा की महिमा इनको पता है। हनुमान जी उदास हो गए, नाराज हो गए, सबने अपनी अपनी सेवाएं बांट ली, बंटवारा कर लिया, मेरे लिए तो कोई सेवा बची ही नहीं है। हनुमान जी नाराज हो गए, दुखी हो गए, उनका चेहरा उतर गया, नाराज हो गए, ऐसे नाराजी में बैठे थे। अब इनकी नाराजी देखकर, इनका उतरा हुआ चेहरा देखकर बाकी सब खुश हो गए, बाकी को आनंद मिला, सब यही तो चाहते थे, हमें सेवा नहीं करने देता था, अब इसे सेवा का मौका नहीं मिलेगा। उतरा हुआ चेहरा देखकर बाकी तो खुश हो गए वहां पर कि चलो हम इसी का इंतजार कर रहे थे, अब सहन नहीं हो रहा है। हनुमान जी महाराज नाराज हो गए और अपने आंखों से आंसू छलक पड़े। हनुमान जी महाराज रोने लगे कि अगर मेरे जीवन में अगर भगवान राम की सेवा न हो रही हो तो जीने का मतलब ही क्या है, क्यों जीना है? अगर मेरे प्रभु राम की सेवा में जीवन में न कर पाऊं तो मेरा जीवन बोझ है, मेरा ये शरीर धरती के लिए बोझ है। नाराज हो गए और ये जो सेवा विहीन मेरा जीवन बन गया है अब ये किसी काम का नहीं है, दोष देने लगे अपने आप को। लेकिन श्री रघुनाथ जी तो, भगवान राम तो अंतर्यामी है, चतुर शिरोमणि है, वे अपने हृदय की व्यथा, अपने भक्त के हृदय की व्यथा को जान लेते हैं। हनुमान जी महाराज की हनुमान जी महाराज के दुख को भगवान जान गए और हनुमान जी महाराज को पास बुलाया जब कोई नहीं थे, बोले हम जान गए आपके दुख को। अरे बोले इन्होंने याद कर करके लिस्ट तो बनवाई लेकिन एक सेवा बाकी है। हनुमान जी खुश हो गए, बोले कौन सी सेवा बाकी है? बोले तू कर लेना। बोले कौन सी सेवा? भगवान ने बताया कि एक सेवा, जब मुझे उबासी आएगी ना, सोने जब नींद आए तो उबासी आती ना, उबासी नहीं आती? आपकी उबासी देखकर तो हम समझ जाते हैं 7 बजने वाले हैं, कथा पूरी करो।
नहीं भी आती हो तो कई लोग देते हैं, मतलब मुझे समय बता देते हैं पूरा हुआ। तो जब मैं उबासी देता हूं ना हनुमान जी, जब मुझे उबासी आएगी तब आप चुटकी बजाने का काम करना। एक सेवा बाकी थी वो आपको दे दी हनुमान जी खुश, कि जब उबासी आएगी तो चुटकी बजाने का काम अपना है। एक सेवा मिली, हनुमान जी खुश हो गए। अब संध्या समय हुआ, भगवान के विश्राम का समय हुआ, भगवान अपने कमरे में गए विश्राम करने के लिए, हनुमान जी भी पीछे पीछे आए। अब सीता माँ गुस्से हो गई, क्रोध आया सीता माँ को कि आपका यहाँ क्या काम है। बोले भगवान को यहाँ आए हैं और उबासी आ गई तो ये तो मेरी ड्यूटी है, मुझे तो रुकना पड़ेगा, मैं जा नहीं सकता। जब उबासी आएगी तब आप चुटकी बजाना, जाओ कमरे से बाहर बैठो, अंदर आप नहीं आ सकते। सीता माई ने हनुमान जी महाराज को बाहर बिठा दिया। अब बाहर बैठे बैठे हनुमान जी चुटकी बजाते रहे, राम राम कहते रहे। भगवान ने कहा ये इसे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन मैं भी तो कम थोड़ी ना हूं। अब जैसे भगवान विश्राम करने के लिए लेटे, भगवान ने उबासी दी, आ भगवान का मुंह खुल गया। अब भगवान का मुंह खुला का खुला ही रह गया। अब मां भगवती सीता पूछने लगी, भगवान क्या हुआ। बोले मुंह खुला है अब बंद नहीं हो रहा है, तो बोलू कैसे। भगवान इशारा करने लगे। अब कितनी कोशिशें कर ली, महाराज लक्ष्मण आए, शत्रुघ्न आए, सब आए, भगवान का मुंह बंद ही नहीं हो रहा है, अब क्या करे। और जब सबको वहां पर भगवान के इस तकलीफ को दूर करने के लिए सब कोशिश करने लगे, सब रो भी रहे थे, विलाप कर रहे थे, भगवान को ये कौन सी बीमारी हो गई, भगवान को ये क्या हो गया, तब जाके वहां पर भगवान का इशारा सब समझ गए और माता भगवती सीता समझ गई। हनुमान जी महाराज को जब अंदर बुलाया और हनुमान जी महाराज अंदर आने के बाद जब चुटकी बजाते हैं भगवान के मुख के सामने, तब भगवान का मुंह बंद हो जाता है और माँ भगवती सीता समझ जाती है कि हमने हनुमान जी महाराज के साथ जो व्यवहार किया वो गलत था, वो भगवान को पसंद नहीं था, इसलिए भगवान ने ये शिक्षा हमें दी और समझ हम सबको दी। कहने का मेरा भाव ये है कि इसी तरह हम भगवान के बन जाते, भगवान के प्रति प्रेम निर्माण हो जाता है तो अपने आप हम सेवा ढूंढ लेते हैं, सेवा कर लेते हैं, प्रेम हो जाता है, भक्ति कर लेते हैं, भजन कर लेते हैं, समय निकलता जाता है, समय निकल जाता है और भक्ति भी होती है। अगर प्रेम हो तो ये भाव निर्माण होता है, सेवा मिल ही नहीं रही तो भी सेवा निकल पड़ती है, हमारे लिए रास्ता बनता जाता है और हम चलते जाते हैं, ये गोपियों का भाव है। तो आइए इसी चरित्र को हम स्मरण करते हुए और इस श्लोक को और गहराई से समझने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पर आज की कथा को विश्राम देता हुआ आज झांकी के दर्शन करेंगे। आज की झांकी भी बहुत सुंदर है और आज महारास की झांकी है, तो आइए प्रसंग में पहले ही बता दूं तो आनंद नहीं आएगा, इसलिए जैसे जैसे यहाँ पर झांकी आएगी, कृति होगी, वैसे वैसे आनंद आप लीजिएगा। महारास का महत्व कितना है, महाराज में आने के लिए, सम्मिलित होने के लिए कितनी दौड़ लगती थी और कितने आग्रह करते सब करते थे, कितना अपने आप में महत्व था, इसको प्रदर्शित करता हुआ ये प्रसंग है, ये झांकी है। एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं।
खड़ा हो जाऊंगा और आपने भी खड़ा हो जाना है, तब आनंद करेंगे। एक प्रसंग का आनंद ले लेते हैं। कैमरे वाले भी साइड हो जाइए, इधर आनंद लीजिए, पीछे दिखाई नहीं देता। बैठ जाए अपनी जगह पर और इस प्रसंग का हम आनंद ले। बैठे बैठे भी जो हो ब्रज की इस रास लीला की कि पार्वती माँ तो हर समय जाया करती थी। उसके आनंद को देख कर भगवान के मन में विचार आया, भगवान महादेव भी आग्रह करने लगे कि पार्वती मुझे भी आपके साथ रास में आना है, जो चाहे करना पड़े। और तैयारी के साथ भगवान समझा रहे हैं माँ पार्वती को। Thank you.
मैं तो वहां पर आके ही रहूंगा, मुझे तो वैसे ही साड़ी पहना दे। वहां अगर किसी पुरुष को नहीं आने देते तो मैं स्त्री बनना चाहता हूं, मुझे साड़ी पहना दे। बोले भगवान मैं साड़ी तो पहना दूंगी, लेकिन क्या स्त्री जैसे चल पाओगे? बोले मैं वैसे चाल मत वाली, मैं वैसे भी चल लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, बस मैंने आना है। बोले आप वहां आओगे? और किसी ने पूछा ये कौन है तो मैं क्या कहूं? बोले कह देना मेरी सहेली है, मैं सब कुछ करूंगा पार्वती, लेकिन मैंने आना है। और भगवान वैसे ही साड़ी पहनते हैं, मतलब गोपी बनते हैं। भगवान गोपी भाव निर्माण करते हैं हृदय में, गोपी बनकर जो नियमों का पालन करना था रास में आने के लिए, उन नियमों का पालन मेरे महादेव भी करते हैं, लेकिन किसी भी कीमत पर मैंने रास में जाना है और गोपियों के साथ नाचना है। भगवान वहां पहुंचते हैं, वहां पहुंचने के बाद भगवान तो समझ गए ये कोई पार्वती की फ्रेंड नहीं है, सखी नहीं है, ये तो मेरे भोले बाबा है। और ऐसी तान छेड़ी है भगवान ने बांसुरी की कि भगवान महादेव सुध बुध भूल जाते हैं, मगन हो जाते हैं और अपना तांडव करना चालू कर देते हैं भगवान कृष्ण नाम की मस्ती में। और जैसे तांडव शुरू हो जाता है तो साड़ी छूट जाती है और समझ आ जाता है, अरे ये तो कोई सहेली नहीं, श्री नहीं, ये तो भगवान भोले बाबा महादेव है। और सब हंसने लग जाते हैं और ताली बजाने लग जाते हैं भगवान महादेव के लिए। महादेव जी के लिए ताली हो जाए भाव से, ये रास में भारत में हुई इस वृंदावन की रास की इतनी महिमा है, इतना आनंद है कि तब भी भगवान कैलाश से आ गए थे और आज भी यहाँ इस रास का वर्णन हुआ तो भगवान विदेश से भी आ गए यहाँ पर। जय हो, ये रास की महिमा है। और ये जो सारी गोपियां हम देख रहे हैं, ये सारी विदेश से आई हुई और भारत की बन चुकी ये सारी गोपियां है भगवान महादेव के साथ भी। आइए, ये हमारी भारत भूमि का प्रताप है। और लोग नजदीक आते जा रहे हैं और हम भारतीय ही हमारी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। कुछ तो है भारत के इस संस्कार में, संस्कृति में, जो सबको इतना लगाव हो रहा है और प्रेम हो रहा है। आइए इन सारी गोपियों के लिए और भगवान महादेव के लिए ताली बजाते दोनों हाथों से। ये इतना बढ़िया नृत्य कर रहे हैं, भगवान महादेव को भी आप देख रहे हो, इनको नहीं पता था इतना ये गोपियां कौन, ये महादेव कौन, कैसे नृत्य करना है। ये पहले गोपियों को समझी है फिर यहां नृत्य कर पा रही है।
महादेव पहले महादेव को समझे हैं, फिर नृत्य कर पा रहे हैं। ये गोपिया बन गई, ये महादेव खुद बन गए, भाव प्रकट हुआ तब नृत्य कर पा रहे हैं। अब हमारी बारी है कि हम भी गोपियों को समझे और भोलेनाथ को समझे। आइए दोनों हाथों से ताली बजाते हैं। भजे विश्वनाथ शिव शंभो भजे विश्वनाथ
आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ एक बार इन सारी हमारी विदेश से पधारी जो बहने हैं, जो आज गोपी भाव में आ चुकी है, आज भगवान महादेव की बन चुकी है, इनके लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि के द्वारा इनका अभिवादन करे, इनका अभिनंदन करे। और मुझे तो लग ही नहीं रहा कि जब गोपी पता चली, जब भगवान महादेव पता चले, तभी तो नृत्य कर पा रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद इनको हृदय से। और मैं चाहूँगा आज की आरती भी हमारी जो ये सारी बहनें और जो विदेश से पधारे हमारे सभी भाई हैं बहनें, वो सब आज आरती का लाभ लेंगे। मैं मंच पर सबको आमंत्रित करता हूँ। ऑल एनआरआई ऑल लुइस कम इन स्टेज ऑल यूरोपियन प्लीज कम टू द स्टेज all European Kriyavans come to the stage. और मैं Louis don't see. और मैं विनती करूंगा कि जो भी बहने भाई या उपस्थित है उनमें से कोई भी एक